हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम रिमूव लूप इन लिंक लिस्ट। हमारे पास एक लिंक लिस्ट दिया है, हमें क्या करना है, अगर उसमें लूप एग्जिस्ट करता है तो उस लूप को रिमूव कर देना है। जैसे देखो, हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें 3 नंबर ऑफ नोड्स हैं, 1, 3, 4, और जो लास्ट वाला नोड्स है वो सेकेंड नोड से कनेक्टेड है। सेकेंड नोड से मतलब जो 4 है वो 3 से कनेक्टेड है, तो इसमें लूप एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें क्या करना है, उसको रिमूव करना है। अगर उसमें लूप एग्जिस्ट कर रहा है और मैं उसको रिमूव कर पा रहा हूँ तो मुझे आउटपुट 1 रिटर्न करना है। अगर लूप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो आउटपुट क्या करना है, 0 रिटर्न करना है। तो चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन काफी विधिवत तरीका समझाता हूँ और फिर बताता हूँ कैसे आप चीजें काफी आसान तरीका से कर सकते हैं। मैं आपको इतना अच्छा से बताऊंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको गारंटेड एक क्वेश्चन हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। आप भूलना भी चाहेंगे तो भूल नहीं पाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो देखो, जैसे क्वेश्चन है 1, फिर 3 और फिर 4, और एक्स का वैल्यू दिया है 2। मतलब क्या, जो लास्ट वाला एलिमेंट है, जो लास्ट वाला नोड, वो सेकेंड पोजीशन के एलिमेंट से कनेक्टेड है। मतलब जो सेकेंड पोजीशन क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकेंड पोजीशन, मतलब 4 जो है वो 3 से आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, जब कनेक्टेड है मतलब क्या, इसमें लूप है। 4 के बाद 3, 3 के बाद 4, फिर 4 के बाद 3, 3 के बाद 4, मतलब ये क्या, एक लूप है। ये क्या है, एक लूप है। तो मुझे क्या करना है, इस लूप को हटाना है, इस लूप को रिमूव करना है, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ है 1, 2, फिर 3 और 4। जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट से कनेक्टेड है, मतलब जो 4 है वो 1 से कनेक्टेड है। तो 1, 2, 3, 4, 4 के बाद फिर 1, 2, 3, 4, फिर 4 के बाद 1, 2, 3, 4, ऐसे लूप है। तो हमें क्या करना है, लूप को रिमूव करना है। मतलब 4 के बाद जो 1 है तो 4 के बाद इसको भगा देना है, 4 के बाद कर देना है क्या, नल, तो लूप हट जाएगा। तो देखो, लूप रिमूव कब होगा, लूप रिमूव कब होगा, लूप रिमूव तभी होगा जब लूप एग्जिस्ट कर रहा हो। जैसे यहाँ देखो, 1, 8, 3, 4, 4 के बाद क्या है, 0th पोजीशन पर जो एलिमेंट है उससे कनेक्टेड है, जो 0th पोजीशन पर है, जो क्या है, 0th पोजीशन पर। तो उस केस में क्या करना है, मुझे आउटपुट 0 रिटर्न करना है। यहाँ गलती से 1 आ गया, 0 रिटर्न करना है। मतलब जो 4th वाला है वो 0 से कनेक्टेड है, तो 0 इधर कोई है नहीं, मतलब इसमें लूप नहीं है, और लूप नहीं है तो 0 रिटर्न करना है। ठीक है, समझ गया, लूप नहीं है तो मुझे 0 रिटर्न करना है, राइट। या फिर देखो, एक क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि अगर लूप उसमें है ही नहीं, जब लूप है ही नहीं और मुझे लूप रिमूव करना है, तो उस केस में क्या करना है, 1 को रिटर्न करना है। तो पहले आप क्वेश्चन ध्यान से उसको देख लेना, क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो बेसिकली अगर लूप एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको रिमूव कर दो। अगर लूप एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं, तो आउटपुट 1 होगा। अगर लूप है ही नहीं तो आउटपुट क्या होगा, 0। तो चलिए हम समझते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले मुझे ये डिटेक्ट करना है कि लूप इसमें है कि नहीं, क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि लूप इसमें है या फिर नहीं है, तो मैं रिमूव कैसे करूंगा। तो देखो, जैसे यहाँ 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, और फिर क्या है, 6। और जो 6 है, जो लास्ट एलिमेंट है, वो सेकेंड एलिमेंट से कनेक्टेड है, मतलब सेकेंड पोजीशन पर जो एलिमेंट है उससे। तो जो 6 है वो किससे कनेक्टेड है, 2 से। ठीक है, समझिएगा, मतलब 6 के बाद 2, 3, 4, 5, फिर 6 के बाद 2, 3, 4, 5, मतलब ये लूप है, लूप है। तो सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है कि लूप है या फिर नहीं है। तो कैसे फाइंड आउट करूँगा, तो मैंने आपको अपने वीडियो में बताया है लूप कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम स्लो और फास्ट पॉइंटर का यूज करेंगे। एक रखूंगा मैं यहाँ स्लो पॉइंटर, और यहीं पर रखूंगा एक फास्ट पॉइंटर। अब ध्यान समझो, मैं स्लो पॉइंटर को एक स्टेप आगे ले जाऊंगा, और फास्ट पॉइंटर को 2 स्टेप, क्योंकि इसका नाम फास्ट है। फिर स्लो पॉइंटर को 1 स्टेप और फास्ट पॉइंटर को 2 स्टेप, फिर स्लो पॉइंटर को 1 स्टेप और फास्ट पॉइंटर को कितना, 1, और चूंकि इसके बाद लूप है तो फास्ट यहाँ आ जाएगा सेकेंड पर। फिर स्लो पॉइंटर को 1 स्टेप और फास्ट पॉइंटर को 1, 2, फास्ट पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर स्लो पॉइंटर को 1 स्टेप और फास्ट पॉइंटर को 2 स्टेप, तो फास्ट 1, 2। अब समझो, फास्ट और स्लो दोनों एक ही पास आ गया, इसका मतलब क्या, लूप एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखो, अगर लूप नहीं रहता, अगर फास्ट को मैं 2 स्टेप आगे ले जा रहा हूँ और स्लो को 1 स्टेप, अगर लूप नहीं रहता तो फास्ट तो बहुत आगे चल जाता, स्लो तो इसको कभी पकड़ ही नहीं पाता है, लेकिन स्लो इसको पकड़ लिया है, दोनों बराबर आ गया, मतलब क्या, लूप एग्जिस्ट करता है। ध्यान समझो, लूप एग्जिस्ट करता है। जब लूप एग्जिस्ट करता है तो मैं क्या करूंगा, पहले इन सारों को मुझे डिलीट करने दो ताकि समझ में आए, नहीं तो पूरा एक ही में हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कौन किसका है। ठीक है, स्लो और फास्ट दोनों एक पास मैच कर गया, दोनों मैच कर गया।
तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक यहाँ स्टार्ट पॉइंट रखना है, स्टार्ट जो हेड को बेसिकली पॉइंट कर रहा होगा हेड। अब जब तक स्टार्ट लूप के पास नहीं आ जाता, दोनों को आगे बढ़ाना है, ध्यान समझो। हमने क्या किया, पहले लूप को डिटेक्ट कर लिया कि लूप है कि नहीं, जब लूप है तब तो मुझे उससे रिमूव करना है लूप को। तो मैं क्या करूंगा, एक जो स्टार्ट वेरिएबल यहाँ रखूंगा जो फर्स्ट जो हेड को पॉइंट करेगा, और ये हमारा स्लो है। अब जब तक स्टार्ट स्लो के पास नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं स्लो को भी आगे बढ़ाऊंगा और स्टार्ट को भी आगे बढ़ाऊंगा। तो पहले मैं स्टार्ट को आगे बढ़ाया था, स्टार्ट यहाँ आ गया, स्टार्ट ST से मैं लिखता हूँ, और स्लो को आगे बढ़ाऊंगा तो 6 था और स्लो यहाँ आ गया। यस, अब देखो दोनों एक ही पास आ गया, दोनों एक ही पास आ गया। मतलब क्या, जब दोनों एक पास आ जाएगा उस केस में मुझे क्या करना है, उस केस में मुझे क्या करना है, स्लो को आगे बढ़ाते जाना है। कब तक, जब तक हमारा स्टार्ट के पास नहीं पहुंच जाए। तो जब मैं देखूंगा स्लो को आगे बढ़ाऊंगा, क्या स्लो स्टार्ट है, नहीं है, क्या स्लो स्टार्ट है, नहीं है, क्या स्लो स्टार्ट है, नहीं है, नहीं, क्या स्लो स्टार्ट है, नहीं है, क्या स्लो के यहाँ नेक्स्ट स्टार्ट है। अब इसका मैं नेक्स्ट करूंगा तो स्टार्ट है, हाँ 2 है, लेकिन मुझे क्या करना है, लूप को रिमूव करना है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, जो स्लो है इसका नेक्स्ट कर दूंगा नल, और जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट नल करूंगा इसकी बेंड बच जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और 6 का नेक्स्ट हमारा क्या था, स्टार्ट था, लेकिन मुझे स्टार्ट से कम पहले तक करना है। तो 6 का नेक्स्ट मैं स्टार्ट को नहीं करके मैं नल पॉइंट कर दूंगा, तो हो जाएगा नल। तो 1 से लेकर 6 हो गया नल, लूप को हमने रिमूव कर दिया। कैसे किया है, चलिए एक बार और मैं आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ, ताकि चीजें आपको और समझ में आए। तो देखो हमने क्या किया, जैसे यहाँ है 1 2 3 4 5, और सपोज करो ए आकर 3 से कनेक्टेड है, ठीक है सर। हमने एक स्लो रख लिया हेड, एक फास्ट रख लिया हेड, और एक स्टार्ट रख लिया हेड, ठीक है। यही हमारा स्लो है, यही हमारा फास्ट है, यही हमारा क्या है, स्टार्ट है, ठीक से समझिए। अब जब तक फास्ट नल नहीं होता है और फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं होता है, मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले लूप फाइंड आउट करना है। जैसे स्लो और फास्ट बराबर होगा मुझे लूप मिल जाएगा, मुझे पता है कि स्लो और फास्ट बराबर होगा तो लूप मिल जाएगा, ठीक है सर, समझ गया। अगर स्लो फास्ट कभी बराबर ही नहीं होते हैं, मतलब लूप नहीं है, तो रिटर्न कर देना है। अगर लूप मिल गया तो मुझे क्या करना है, स्टार्ट को यहाँ शुरू करना है, स्टार्ट को शुरू से शुरू करना है, शुरू से स्टार्ट को शुरू से शुरू करना है। और जब तक स्टार्ट स्लो के पास नहीं आ जाता है, जब तक स्टार्ट स्लो के पास नहीं आ जाता है, जब तक जो हमारा स्टार्ट था स्टार्ट स्टार्ट उस स्लो के पास नहीं आ जाता है, तब तक मैं स्टार्ट को भी आगे बढ़ाऊंगा, स्लो को भी आगे बढ़ाऊंगा। तब तक मैं स्टार्ट को भी एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा, स्लो को भी एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा, और जैसे ही ये दोनों बराबर मिल गए तो उस केस में क्या करूंगा, मैं स्लो को स्टार्ट तक ले जाने की कोशिश करूंगा और स्लो को आगे लेते जाऊंगा। जैसे ही स्लो का नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला होगा, उससे पहले मैं क्या करूंगा, स्लो के नेक्स्ट को नल कर दूंगा। यहाँ देखो स्टार्ट यहाँ, स्लो यहाँ था, स्लो यहाँ था, स्लो यहाँ था, स्लो यहाँ था, स्लो का नेक्स्ट, जैसे यहाँ स्लो गया, स्लो का नेक्स्ट हमारा क्या था, स्टार्ट था 2। लेकिन मुझे अगर फिर मैं यही कर देता तो लूप रह जाता। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, जो इसका स्लो है स्लो, इसके नेक्स्ट को मैं नल पॉइंट कर दूंगा नल, तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। तो लूप हमारा क्या हो गया, ब्रेक, राइट। तो अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूंगा तो ओ ऑफ एन हो जाएगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ओ ऑफ, हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, तो ओ ऑफ 1 आ जाएगा। और सेम टू सेम यही सोल्यूशन आपको जावा में देखने को मिलेगा, इसमें हमने कुछ तीर नहीं मारा है, हमने इसे फाइंड आउट किया है कि लूप एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर लूप यहाँ एग्जिस्ट ट्रू है तो फिर मैं स्लो को हेड कर लूंगा, और जब तक स्लो फास्ट के इक्वल नहीं हो जाता है तब तक मैं स्लो को आगे बढ़ाते रहूंगा, फास्ट को आगे बढ़ाते रहूंगा, और फास्ट करने जब तक स्लो नहीं होता है फास्ट को आगे बढ़ाओ, और फास्ट करने शुरू क्या कर दो, नल कर दो। आप दोनों में से किसी पॉइंट को यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ स्टार्ट लिया है तो आप स्लो और फास्ट को भी यहाँ से शुरू से फिर बैकअप कर सकते हैं और इसका बेंड बजा सकते हैं। तो आई थिंक आपको एक्सप्लेनेशंस एज वेल एज द कोड समझ में आया होगा। इन केस आपको समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पीछे करें, फिर से देखें, गारंटेड समझ में आएगा। और उससे पहले मैं आपको कोड रन करके दिखाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप DSA एकदम इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं विथ हैंड रिटन नोट्स, तो आप क्या कर सकते हैं, इस लिंक पर जाकर इसको ले सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं, नहीं यार मुझे तो DSA वीडियो के थ्रू ही समझ में आएगा, तो आप इस लिंक पर जाकर DSA GFT का DSA ले सकते हैं। अगर आप त्रिलोकी 10 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 15% का डिस्काउंट जो मैक्सिमम है देखने को मिल जाएगा। C++ और जावा दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, काफी अच्छा से पढ़ाया गया है, बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। और मैं क्या करूंगा, आपको कोड रन करके दिखाऊंगा। तो चलिए इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं क्या करूंगा, आपको कोड रन करके दिखाऊंगा। तो ये हमारा C++ का कोड है जो मैंने आपको बताया है, सेम सेम वही कोड है, मैं सिंपली कर दूंगा सबमिट पर क्लिक।
और सेम टू सेम ऐसा ही कोड आपको जावा में भी देखने को मिलेगा। अगर कोई भी आपको डाउट रह जाता है तो आपको कमेंट करना है, मैं क्या करूंगा अभी आपको दिखाऊंगा। जावा का कोड है, हमारा जावा का कोड है, वीडियो को पॉज करना है और इसको लिखना है। ड्राई रन करना बहुत जरूरी है, ड्राई रन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ड्राई रन कर रहा हूँ। अगर आप नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, और फिर कमेंट करते फिरोगे सर मुझे तो समझ में आ ही नहीं रहा है, डीएसए तो मेरे लिए है ही नहीं। तो प्लीज ड्राई रन करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, इसको भी सब्सक्राइब करो। तो चलिए हमें मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ धमाकेदार वीडियो के साथ। कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। और देखो मैंने जो बताया था एन इक्वल टू फोर, इसमें लूप नहीं है, लूप नहीं है मतलब पहले से लूप इसमें है ही नहीं, तो उस केस में वन रिटर्न करना है, राइट। जब लूप नहीं है तो उस केस में क्या करना है, वन रिटर्न करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वन होगा, यहाँ क्या होगा, वन, लूप नहीं है तो यहाँ जीरो नहीं होगा क्योंकि लूप है ही नहीं, तो आंसर हमारा क्या होगा, वन। तो चलिए मैं मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।